बोली। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज लेक्चर नंबर हमारा 29 है, 10th क्लास का। इससे पहले जो लेक्चर हमारे चार हुए हैं उनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ। तो चैप्टर नंबर 15 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पहले दो रूल पढ़े थे, राइट हैंड रूल। एक राइट हैंड रूल पढ़ा था अबाउट वायर और एक राइट हैंड रूल पढ़ा था अबाउट कॉइल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये इस ऐसे सिस्टम के लिए होता है कि जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और एक साउथ पोल होता है। अब यहाँ तीन चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। तीन चीज़ों में कौन कौन सी, पहली चीज़ और दूसरी और तीसरी। पहली में क्या होता है, तो फोर्स किधर है, दूसरा फील्ड किधर है, ठीक है, और तीसरा करंट किधर जा रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर हमें फाइंड करना है फोर्स किधर है, फील्ड किधर है और करंट किधर है। करंट, ठीक है, तो इसका क्या है आई और इसका क्या है एफ और इसका भी क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट हैंड का, अपने लेफ्ट हैंड को आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है, कैसे स्ट्रेच करना है कि आपने जो आपकी मिडल फिंगर है, फोर फिंगर है और थंब है, इसको आपने ऐसे करना है कि आपका हर साइड पे जो एंगल बने वो 90 का बने। ठीक है, अगर ये देखें इन दोनों के दरमियान देखें तो 90 का एंगल है। अगर ऐसे देखें तो ये देखें इन दोनों के दरमियान भी 90 का एंगल है। अगर आप सबको मतलब जिधर भी जोन से अगर आप देखें मिडल फिंगर को फोर फिंगर के साथ कंपेयर करेंगे तो 90 का एंगल, अगर फोर फिंगर को थंब के साथ कंपेयर करेंगे तो 90 का एंगल। तो इसी तरीके से आपने करना स्केच कर लेना और आपने क्या करना है इस अपने थंब के ऊपर क्या लिख लेना है, एफ मतलब क्या है फोर्स, और इस जो मिडल आपकी फिंगर है फोर फिंगर उस पर आपने क्या कर लेना है एफ फील्ड, और मिडल फिंगर पे आपने क्या कर देना है आई लिखना है। आई का मतलब क्या है करंट। ठीक है, तो आप आइए इधर, वो कहता है कि इस सिस्टम में आपने क्या करना है स्ट्रेच करें। ठीक है, आपको पता है कि फील्ड किधर को जाती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल में जाती है, तो आपने फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी है ऐसे रख देनी है। ठीक है, तो कहता है कि आपकी जो फोर्स है वो ऊपर को अप्लाई हो रही है। ठीक है, इस सिस्टम में फोर्स ऊपर जा रही है और आपका जो फील्ड लाइन्स बन रही है वो इस तरह इस डायरेक्शन में बनती जाएंगी। ठीक है, जो फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ पोल में आती जाएंगी और आपका जो करंट है वो कहता है बैटरी के जरिए बाहर को आता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इधर हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, आइए जैसे बुक के ऊपर लिखा हुआ है उसको देखते हैं। कहता है स्ट्रेच होता है फैलाना। ठीक है, फिलहाल थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, अपनी जो तीन आपने चीज़ें यूज़ करनी है, एक मिडल फिंगर, एक फोर फिंगर और एक आपने थंब यूज़ करना है, उसको स्ट्रेच कर लें। कैसे स्ट्रेच करना है वो ये बताएगा। कहता है कि ऐसे स्ट्रेच करें कि सारी क्या हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सारी आपस में 90 के एंगल पर बनती जाए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि फोर फिंगर पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है कि जो आपकी फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। उसके बाद कहता है द मिडल फिंगर ऑफ द डायरेक्शन करंट। कहता है जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो करंट को बताएगी। और उसके बाद कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब जो आपका थंब होगा वो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही हो, ठीक है, तो करंट गुजर रहा हो तो आपको नहीं पता चल रहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, फोर्स किधर पड़ रही है और करंट की डायरेक्शन क्या है। तो आप क्या करें, वहाँ सिंपल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये सारा आपको बता देगा कि करंट किधर जा रहा है, फील्ड किधर जा रही है, फोर्स किधर जा रही है। ठीक है, तो दोबारा से थोड़ा सा सुन लें कि वो कहता है स्ट्रेच योर थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, और इनको ऐसे स्ट्रेच करना है कि आपके जो तीनों चीज़ें वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनता हो। उसके बाद कहता है कि जो आपका थंब होगा वो फोर्स को जो फोर्स आपकी होगी करंट की वो उसको बताएगा। उसके बाद जो फील्ड फोर्स होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ पैदा हो रही हैं वो आपको कौन सी फिंगर बताने वाली है, वो फोर फिंगर बताने वाली है। उसके बाद जो करंट होगा वो कौन सा बताएगी, वो आपकी मिडल फिंगर बताएगी।
है, ठीक है। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बहुत ही आसान है, बहुत ही इतनी लंबी आप स्टेटमेंट देख डालना चाहिएगा, ये थोड़ी सी अगर आप देखें गौर करें तो बहुत आसान सी आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। पहले वो कहता है कि स्ट्रेच करो, फिर बाद में कहता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर करो, फिर तीनों का बता देना कौन चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 30 में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।